आप ये चेहरा देख चुके हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, किसी भी घर का एक साधारण सा दिखने वाला लड़का। जानते हैं रात को इसके साथ क्या होता है? नहीं नहीं, ये लौंडा साधारण तो कहीं से नहीं है। सोचो इस आदमी के संग ऐसा क्या ही हुआ होगा कि रात के 1:30 बजे ये झूला झूल रहा है ऐसी शक्लें बना के। देखो, या तो ये अफसोस कर रहा है क्योंकि इसकी बीवी हंस पड़ी है इसकी छोटी लुल्ली देखकर। इतना छोटा हमें दिख भी नहीं रहा, वो एक आंख हो गया देख रहा है, सेकंडरी किससे देखता हूं। देखो, अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि इसके संग ऐसा क्या हुआ है कि ये ऐसी शक्लें बना रहा है जैसे इसने हवा में मच्छर को मुठ मारते हुए देख लिया हो, तो आओ मेरे संग पूरी वीडियो देखो। हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और आपकी तरह मेरे भी दोस्त है माधव चोत। पड़ोस के लोगों ने बताया है कि सांप यहाँ पर कहाँ है किधर किधर। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं। अबे वो सांप है, वो तेरा कुंभ का बिछड़ा हुआ भैया नहीं है जो उसे ऐसे देखने आ रहा है। वो काट लेता है तो लोगों की गांड भी फट जाती है। ज्यादा सिंगम मत बन। सांप मिला आपको यहाँ पर? देखिए इतना बड़ा इनको यहाँ पर सांप मिला है, ये कहाँ से पकड़ा आपने? ये यहीं से पकड़ा है। अच्छा, आपको बुलाया था लोगों ने यहाँ पर सांप? हाँ, बुलाया था। क्या क्या कहा था? ये कहा था कि हमारे पास नाग नागिन जोड़ा है, वो जो तो परेशान बच्चे को कर रहे हैं। एक और जोड़ा। तो बगल वाले प्लॉट में रजत के घर के पास ये प्लॉट है और यहाँ पर सपेरों ने दो नाग पकड़े हैं। ये नागिन है? कैसे पता है नागिन है? नागिन पतली होती है, नाग भारी होता है। जोड़ा। तो ये इन्होंने एक नागिन पकड़ी है और एक ये नाग पकड़ा है। वाह, नाग नागिन मिल गए, चलो अब इनका सेक्स करा देते हैं और उससे जो बच्चा होगा उसका जहर बेच के हम। मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर? देखिए कितना खतरनाक है देखने में। और हम इस सांप को लेकर जाएंगे रजत के पास और रजत से पूछेंगे कि क्या ये वही सांप है जो उसको दिखाई देता है। अब हम इन सांपों को उसके परिवार के पास लेके जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या ये वही नाग है या दूसरे कोई सांप है। अरे भैया, वो सांप है कोई बिजू का नहीं है जो पूरे गांव में उसकी मुंह दिखाई करते डोल रहे हो। वो आ जाता है तो लोग वहां से भागने की सोचते हैं, ना कि उसके संग हाइड एंड सीक खेलने की। सांप का खेल बना के रख दिया, सांप का खौफ ही नहीं रहा बाजार में। और ये भैंचो दी क्या अश्लील शॉट लिया ये लौंडे के संग, बड़ा बेसरम है, थोड़ी सी भी ऑकवर्डनेस नहीं हो रही। वाह क्या मुस्कुराहट है। तो जैसा कि रजत ने दावा किया है कि उसको मान गया भाई, तेरी तो एंट्री भी कैजुअल नहीं थी और तू बंदा तो कैजुअल बिल्कुल नहीं है, तूने तो गांड मार ली मेरी। बिल्कुल सिनेमेटोग्राफी चल रही है भाई, कोई सच वच नहीं पता करना, सच गया मां चुदा ने, बिल्कुल सिनेमेटोग्राफी में एंट्री हुई है भैया की, तालियां होनी चाहिए। शर्म कर लो आदि पुरुष वालों, कुछ तो सीखो हमारे न्यूज चैनल वालों से। सोचो शाम को तुम्हारे घर पे बिल्कुल सन्नाटा पड़ा है, सब नैप ले रहे हैं और एकदम से ये दो बाबा आते हैं बीन बजाते हुए। मैं घर के सारे बर्तन फेंक दूंगा इन दोनों पे, सही बता रहा हूँ। कुछ हाथ नहीं लगा। आप तो कह रहे थे कि बीन बजाएंगे तो सांप बाहर आ जाएगा, लेकिन कोई निकल के बाहर नहीं आ रहा। देखिए सर, कोशिश कर रहे हैं, अपनी जान में पूरी कोशिश करेंगे, अगर सर्प निकलेगा तो उसको पकड़ेंगे और निकलेगा तो बाबूजी उसके अंदर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ये क्या बात हुई भाई, कोई प्रॉपर सॉल्यूशन दो बाबा जी। ये क्या गांड मराए फिर अपनी, इसकी तो फटे कोंडम से भी बुरी हालत है। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज हमने उनसे ये गुजारिश की कि आज हम रजत के साथ सोना चाहते हैं। हफ्सी साले, ये वो लौंडा है जो क्लास के पीछे बैठ के पैंट में छेद करके मुठिया देता था। रजत भैया अब भी टाइम है, निकल लो। आज तो आप अलग ही मूड में हो ना। चल बहुत हो गया, उठ। अचानक रजत उठकर बैठ गया और चीखने लगा, मम्मी 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 खाएगा। यार तुम तो बड़े बहादुर बच्चे हो, सांप ने काट लिया है पर अपनी माँ को ऐसे बुला रहा है जैसे सांप ने नहीं इसे मुंह तारा हो। मम्मी खाएगा। Run. योगेन जी
योगन जी बच्चों काट दिया, सामने काट दिया, काट दिया, अंदर काट दिया, काट दिया, अंदर अंदर देख 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 फंसी तो फंसी ये काट दिया, काट दिया, काट दिया। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। रजत को एक बार फिर से काट दिया है सांप ने यहाँ पर, और हम इसीलिए यहाँ रुके हुए थे देखने के लिए। और घड़ी में समय देखिए, सुबह 12 का समय हो रहा है। रजत ने यही कहा था कि रात के वक्त सांप काटता है, अब सांप कहाँ पर रखे, सांप कहीं भी हो सकता है। और हमने ये सफेद, अरे बस ये बीन बजा के सांप को बुला रहे हो या पूरे गाँव को जगा रहे हो आधी रात को? अरे बेचारे को सांप ने काट लिया, किसी को अब हॉस्पिटल ले जाओ, उसको बचाओ, कुछ तो करो उसका, कि बगल में उसके सर्कस मना रहे हो पूरा। और मेरे को डर लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है क्योंकि मैंने सांप कभी नहीं देखा। और ये सफेरे भाई गुणेंगे भुसड़ी की गांड पट रही है, तो उस कमरे से बाहर निकलने ना, कि गंदे जूते लेके सोफे पर चढ़। यार तुम लोग तो चले जाते, फिर हमें साफ करने पड़ते हैं। भाग गया वो, भाग गया, फिर भाग गया, फिर भाग गया। आप लोगों ने कुछ नहीं किया, फिर भाग गया। योगेन जी कुछ नहीं कर पाया, भाग गया वो, आपके आया नहीं कंट्रोल में, तो खून निकल रहा है, खून निकल रहा है, खून निकल रहा है उसके पैर में, भाग गया वो। अरे छोड़िए, आप तो कुछ नहीं हुआ, बेकार कर दिया पूरा खेल आपने, कूड़ा कर दिया, पूरी मेहनत बेकार हो गई हमारी। चलो फाइनली इनको ध्यान तो आया कि सांप और इस बकचोदी के अलावा एक जिंदा लाश भी पड़ी है इस कमरे में। ये तो महाराज जी, अब क्या कर रहे हैं? रस्सी मंगाओ, रस्सी, 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 रस्सी चाहिए। अम्मा 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 रस्सी दे दो, रस्सी दे दो, रस्सी दे दो। भाई टॉप नॉच एक्टिंग चल रही है इधर, मतलब दादी जी को इतना लेट रियलाइजेशन हुआ कि मेरे बच्चे को सांप ने काट लिया है। मतलब इतनी बढ़िया एक्टिंग हो रही है कि कैमरामैन को बुलाना पड़ रहा है, आओ बहन के लौड़ो परिवार वालों। हमने कैमरे की फुटेज रिवाइंड करके देखी, किसी भी कैमरे पर कोई सांप आता या जाता दिखाई नहीं दिया, न ही रजत खुद को चोट पहुंचाता दिखा। तो फिर ये दोनों के गांड बनाने के लिए बिठवाए थे तुम लोगों ने? ऐसे ही अब सब लोग देखिए इकट्ठे हो गए, सब लोग ऐसे दिखने आ जाते हैं। ऐसा ही होता है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। ऐसा ही होता है सर, ये बहन के लौड़े गांव वाले रोज मेरी मौत का जनाजा देखने आ जाते हैं यहाँ पे, मुझे सर्कस बना के रख लिया इस गाँव ने। आज तो कम है, पूरा रास्ता जो है भर जाता है। आप अभी दिखाइए किसी को, तो इतनी भीड़ लगती है किसी को सीमा नहीं। जब घर में फ्री फंड का सर्कस खोल के बैठोगे तो पब्लिक तो आएगी ना, और यहाँ पे फ्री में लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दब जाता है, तुम लोगों से वो नहीं दबाया जाता। यार मैं थक गया हूँ तुमसे कहते कहते, प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब। तो जब कोई क्रिएटर वीडियो अपलोड करता है ना, तो उसके बढ़ते नंबर ऑफ व्यूज, नंबर ऑफ लाइक्स, और मेरे बढ़ते नंबर ऑफ आवर्स। देखो इस वीडियो का एम रखता हूँ मैं 18 लाइक्स, देखो हो जाना चाहिए यार, देखो प्लीज कर दो यार। ओके आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, प्लीज प्लीज।